हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से स्थानीय बचत भवन में आयोजित मतदाता सत्यापन कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से नियुक्त मतदाता जागरूकता मंच के नोडल अधिकारियों, बूथ लेवल पर अधिकारियों तथा बीएलओ सुपरवाइजरों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल व बीएलओ ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। इसके बाद मतदाता नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। निर्वाचन कानूनगो किशोर कुमार ने कहा कि नोडल अधिकारी अपने अपने विभागों में प्रत्येक कर्मचारी को मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार से संबंधित लोगों का मोबाइल के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन देखकर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर कर सके। इससे यह कार्य पूर्णतः पेपरलेस हो जाएगा तथा लोगों के धन तथा समय की भी बचत होगी और उन्हें संबंधित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिगर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से अपने तथा परिवार के सदस्यों के मतदाता पहचान कार्ड की हर प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं तथा उसमें त्रुटियों को भी समय से शुद्ध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सत्यापन कार्यक्रम से संबंधित जानकारी लोक मंत्र केंद्र सीएससी तहसीलदार निर्वाचन संबंधित एसटीएम कार्यालय तथा मतदाता सत्यापन केंद्र से भी प्राप्त की जा सकती है। इस दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर संतोष कुमारी, असिस्टेंट प्रोग्रामर मनीषा तथा बीरेंद्र सिंह ने भी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की उपस्थिति लोगों की जानकारी दी। हमीरपुर बाजार में सड़कों पर सामान सजाने पर अब नगर परिषद सख्ती से निपटेगी और बकायदा अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद के द्वारा बाजार में अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर नगर परिषद अतिक्रमण को लेकर सख्त रवैया अपनाने के मूड में है और इसी के चलते आगामी 7 दिनों तक शहर में गाड़ी के माध्यम से अनाउंसमेंट करवाकर चेताया जा रहा है। इसके बाद नगर परिषद के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए नालियों और सड़क पर रखे हुए सामान को जब्त किया जाएगा तो भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ के एल ठाकुर ने बताया कि बाजार में बहुत से दुकानदारों ने नियमों को ताक पर रखते हुए नालियों और सड़क पर सामान सजाया हुआ है और जिसके कारण बाजार पूरा तंग हो गया है। उन्होंने बताया कि पहले तो दुकानदारों को अनाउंसमेंट करके चेताया जा रहा है और अगर दुकानदार नहीं मानते हैं तो अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर के एक होटल में चिट्टे के साथ पकड़े गए दो युवकों व उनके परिवार का ताल्लुक भाजपा से होने के कारण भाजपा नेता भी कटघरे में खड़ी हैं और भाजपा नेतृत्व को ये स्पष्ट करना चाहिए कि मौत के सौदागरों से उसका व सांसद का क्या रिश्ता है। सुजानपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि चिट्टे के साथ पकड़ा गए युवक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के एक पदाधिकारी व सांसद अनुराग ठाकुर के अत्यंत विश्वस्त साथी का बेटा है, जिस कारण पुलिस पर भाजपा नेता अब दबाव बनाने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी का पिता अक्सर सांसद के अंग संग रहता है और इस प्रकरण से ये भी साबित हो गया है कि भाजपा के प्रचार और क्रिकेट की आड़ में भाजपा नेता क्या गुल खिला रहे हैं और किस तरह युवाओं को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। राजेंद्र राणा ने सवालों के कटघरे में भाजपा नेताओं को खड़ा करने के साथ साथ ये सवाल भी दागा है कि ऐसे लोगों को भाजपा संरक्षण क्यों दे रही है। भाजपा के साथ इन मौत के सौदागरों के कितने गहरे तार जुड़े हुए हैं और पर्दे के पीछे उनका असली सरगना कौन है। राजेंद्र राणा ने कहा कि दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के सत्तासीन होने के बाद नशे के सौदागरों को संरक्षण मिलना शुरू हो गया है। सुजानपुर में एक युवक की पिछले दिनों नशे के ओवरडोज के कारण मौत हो जाने की घटना ने पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। जनता को भाजपा नेता जवाब दें कि क्या सत्ता में आने के बाद उनके लोग ऐसे कुकृत्यों में जुट गए हैं और उनको किसका संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने हमीरपुर जिला पुलिस व पुलिस अधीक्षक की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने बिना किसी दबाव के कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके लिए पुलिस का ये कदम
स्वागत योग्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी आग्रह किया है कि नशे के खिलाफ ठोस कार्रवाई व बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ाई जाए ताकि हिमाचल में नशे की खेप ना पहुंचे। इस मुहिम में सरकार का पूरा साथ व सहयोग किया जाएगा। सोलन के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा बिना खेल मैदान के दम तोड़ रही है। सोलन में खेल विभाग के पास अपना कोई भी मैदान नहीं है, इसलिए उन्हें केवल नगर परिषद के मैदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जहां अगर एक खेल चलता है तो दूसरे खेल वाले लोग खेल नहीं पाते, इसलिए ये अपनी खेल का अभ्यास नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वे खेलों में पिछड़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ठोडो मैदान के समीप इंडोर स्टेडियम बनना प्रस्तावित है, जिसका पैसा भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेडियम बनना आरंभ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में भारी रोष देखा जा रहा है। रोष प्रकट करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में सोलन के खिलाड़ियों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, यहाँ तक कि यहाँ खेल विभाग के पास कोई खेल का मैदान भी नहीं है। एक इंडोर स्टेडियम प्रस्तावित था, लेकिन उसका काम भी अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से इन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए वे जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाए ताकि खिलाड़ियों को कोई सहूलियत मिल सके।